हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडोन बायोलॉजी में। आज एक बार फिर कोडोन बायोलॉजी CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया है, जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके और आप बेहतर रिजल्ट दे सके। CSIR इस बार यानी कि जून 2020 का एग्जाम 21 जून को कंडक्ट करने वाली है 21 जून को कंडक्ट करने वाला है। इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जैसा कि हमें पता है, CSIR एग्जाम 5 ब्रांच में कंडक्ट करती है, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस। हम लोग प्रिपरेशन लाइफ साइंस के लिए करवाते हैं और पिछली बार से ही CSIR का एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कर रही है। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और चेंजेज क्या हुए हैं कि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न में हो रहा है। इस बार के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 16 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है और वह 15 अप्रैल 2020 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। लेकिन अभी पूरे विश्व में कोरोना का संकट है और भारत में 21 दिन का लॉकडाउन है और वह लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म होगा और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 अप्रैल तक है। तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में तकलीफ हो रहा होगा। कुछ लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोग वैसे लोग जो साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरते हैं उनके लिए काफ़ी समस्या है। तो हो सकता है CSIR फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड करे, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 15 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है और एग्ज़ाम का डेट 21 जून को है। ये CSIR नेट एग्ज़ाम का पैटर्न है। जैसे कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 35 अटेम्प्ट करने होते हैं। और पार्ट सी के 75 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है 200 का होता है। वेटेज जो है पार्ट ए और पार्ट बी का 2 मार्क्स का वेटेज है और पार्ट सी का जो पर क्वेश्चन वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। निगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 का निगेटिव मार्किंग पार्ट ए और पार्ट बी में है और पार्ट सी में 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। टोटल एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स का है और पिछली बार से ही यानी कि दिसंबर 2019 से ही कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न में एग्ज़ाम हो रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल भी है। जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसीलिए इस बार जब हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो पता लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ बढ़ भी गया था, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमने OMR सीट पे कुछ यदि गलत डार्क कर दिया, डार्क बबल कर दिया, तो फिर उसे चेंज करना मतलब मुश्किल है। लेकिन इसमें कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न में काफ़ी अच्छा है। हम लोग जो है लास्ट मोमेंट में भी जो है अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हैं, जो हमने बबल किया है उसको चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है कुछ लोगों के लिए। वैसे लोगों के लिए दिक्कत है जो ट्रेडिशनल मेथड से प्रिपरेशन करते हैं और कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। तो खैर वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोडोन बायोलॉजी पे जो कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है उससे आप कैसे लाभ ले सकते हैं और वो क्या अनाउंसमेंट है। तो डिस्कस करते हैं पहला अनाउंसमेंट। पहले अनाउंसमेंट में, जैसा कि हम लोग पहले भी किए हैं, कि जो कुछ भी आपका डाउट है उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके डाउट क्वेश्चंस का हम डिमांड करते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम है CSIR नेट लाइफ साइंस रिगार्डिंग, वो आपको किसी टॉपिक को लेकर है या क्वेश्चन के रिगार्डिंग है या क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है या बुक्स के रिगार्डिंग है, कोई भी इशू है, उसे आप हमें codonbiology@gmail.com पे
भेज सकते हैं, उसे हम लोग डाउट देखेंगे और डाउट का सॉल्यूशन देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन कैसे भेजें या हम लोग जवाब कैसे देंगे। तो आप अपना क्वेश्चन इमेज के फॉर्म में या स्क्रीनशॉट, यदि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या जैसे भी, तो आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ईमेल, ये किसी भी फॉर्म में आप अपना क्वेश्चंस या क्वेरी हमें भेजिए। भेजने का जो तरीका है वो codonbiology@gmail.com पे दे सकते हैं, या ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना क्वेरी देंगे और हम लोग उस क्वेरी का सॉल्यूशन देंगे आपको। सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में हो सकता है, यूट्यूब सॉल्यूशन जो है हम लोग देंगे, या अगर जो है, या आपको डायरेक्टली मेल करके भी हम उसका आंसर बताएंगे। तो ये रहा पहला अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट को हम लोग पहले भी लेकर आए हैं और इससे काफी बच्चों को फायदा हुआ है। बहुत सारे बच्चे पहले भी इससे जुड़े थे, CSIR नेट प्रिपरेशन करते वक्त उनके जो भी सवाल आ रहते थे, जो उसको वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, कुछ क्वेश्चन रहा या बुक डिस्कशन हुआ, तो लोग हम लोग पहले से करते आए हैं। तो इस बार हम लोग जो है फिर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग बच्चों से क्वेरी मांगेंगे और डिस्कस करेंगे। अनाउंसमेंट टू, सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि DBT का एग्जाम भी नहीं हुआ है। DBT का एग्जाम यदि देखें तो अभी तक फॉर्म निकल जाना चाहिए था, एग्जाम हो जाना चाहिए, तो अभी तक फॉर्म भी नहीं आया है, एग्जाम का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, फॉर्म कब आएगा सब कुछ अनसर्टेन है। इस बीच आप लोग प्रिपेयर तो कर ही रहे होंगे, आप लोगों को प्रिपेयर करते रहना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हो सकता है इसका फॉर्म आए, और काफ़ी कम ड्यूरेशन होगा फॉर्म भरने एग्जाम होने का, इसलिए आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और इस प्रिपरेशन में आपको ये बुक बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 साल के क्वेश्चंस 2016, 17, 18, 19, 4 साल के क्वेश्चंस, उसके आंसर, इससे संबंधित हम लोगों ने बुक अवेलेबल करवाया है अमेजन पे, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 225। ये ई कॉपी है, यानी सॉफ्ट कॉपी है। इसी बुक को आप हमारे वेबसाइट NCIBB पे जाते हैं तो इसका कॉस्ट ओनली 50 रुपीज है, यानी बहुत ही कम है। इस इतने कम कॉस्ट पे आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, इससे आप एक जगह पे 4 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और इस बुक में और भी कुछ है, जैसे कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस वहां देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे हैं। और जो कोई भी ये बुक परचेज कर रहा है 14 अप्रैल से पहले परचेज कर रहा है, उसके लिए एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। जब हम इस बुक का रिवाइज एडिशन लेकर आएंगे, तो इस रिवाइज एडिशन में ये जो हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस किया है उसको और बेहतर करने वाले हैं, यानी कि जो इसका सब्जेक्टिव एनालिसिस है, यानी लाइफ साइंस के जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी का जो अलग अलग ब्रांच है जहां से क्वेश्चन पिक होते हैं, उनका भी टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट आपको एनालिसिस मिलेगा। और वो जो बुक परचेज किए रहेंगे NCIBB स्टोर पे जाकर, उनको हम लोग रिवाइज एडिशन फ्री में देने वाले हैं। तो आप लोग इसे परचेज करिए और अपने DBT के एग्जाम को कंटिन्यू रखिए, DBT एग्जाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। अब आते हैं थर्ड अनाउंसमेंट को लेकर। ये एक्सक्लूसिव है कोडोन बायोलॉजी के लिए और ये 1 अप्रैल से June 10th तक चलेगा, यानी आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले तक चलेगा। ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने वाला है, क्योंकि आप इसमें डेली क्विज प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि डेली आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। और हर दिन जो है आप इस तरह के क्विज को यदि लेते हैं तो निश्चित ही आपका प्रिपरेशन अच्छा होता जाएगा। और इस तरह के क्विज का अपडेट रखने के लिए आप हमारे वेबसाइट ncibb.org.in पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं
और तमाम जो एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं उससे आप अपडेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि CSIR नेट क्वालिफाई करने, CSIR नेट में बेस्ट रैंक कैसे लाए। आप अगर रैंक बेटर करना चाहते हैं तो रैंक बेटर करने के लिए आपको जो जनरल एप्टीट्यूड है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जो भी CSIR नेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो पार्ट बी और पार्ट सी के लिए प्रिपेयर करते ही हैं। अगर आप CSIR नेट में पार्ट ए भी अपना मजबूत रखते हैं तो निश्चित ही आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। और लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स जनरली मैथमेटिकल पार्ट को टच नहीं करते हैं और उससे घबरा जाते हैं, तो इसलिए आप लोग पहले से ही जनरल एप्टीट्यूड पे ध्यान दें। और आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं हम लोग इस थर्ड अनाउंसमेंट में बात करेंगे। जैसे कि 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 क्वेश्चंस टोटल दिए होते हैं जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी आप 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है। अब 30 मार्क्स में से आप 30 मार्क्स कैसे लाएं, यानी आप फुल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे आप सब क्वेश्चंस सही कर ले जाएं, टारगेट तो आपको यही रखना है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए बायोटेका टेस्ट सीरीज पे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ओनली 999 में ले सकते हैं जिससे आप जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। आप हमें कॉन्टेक्ट biotekatest@gmail.com पे ईमेल करके कर सकते हैं। जैसा ये पार्ट ए है, पार्ट ए में नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चंस 20 होता है, टू बी अटेम्प्टेड 15 है, 30 मार्क्स के टोटल हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, यानी आपको सावधानी से देखना है। जो जनरल एप्टीट्यूड का ट्रेंड है उस ट्रेंड का जब एनालिसिस हम लोगों ने किया तो लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपेरिजन्स, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन होता है, क्या वेटेज है, तो आप इसे पॉज करके, इस स्लाइड को पॉज करके आप समझ सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग से 25% वेटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस से 5% वेटेज है। तो आप यहाँ पे पॉज करके वेटेज देख लीजिए। ग्राफिकल एनालिसिस फॉर्म में भी हम लोगों ने इसको रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस टॉपिक से क्या वेटेज है और आपको किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड में टाइम, वर्क, डिस्टेंस, परसेंटेज से 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन एवरेज रहता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस से 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, मेंसुरेशन से 2 to 3 क्वेश्चंस, सीरीज कंप्लीशन से 2 से 3 क्वेश्चंस। तो जरूरत ये है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस को इसके माध्यम से समझें और किसी भी ऑथेंटिक बुक से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और पार्ट ए पे पहले से ही ध्यान फोकस करें, क्योंकि पार्ट ए आपके रैंक को अच्छा कर सकता है। इसके लिए हम लोगों ने बता ही दिया है कि हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं जो केवल जनरल एप्टीट्यूड के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल 999 में है और ये 5 अप्रैल से 5 मई यानी 1 महीने के ड्यूरेशन में अगर आप जो है 30 to 60 मिनट डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही आप टारगेट कर सकते हैं कि 30 मार्क्स में से 30 आप अचीव कर पाएंगे। और कैसे आप करेंगे इसके लिए कुछ प्लान हम लोगों के पास है। जैसे कि यूट्यूब पे कोडोन बायोलॉजी चैनल पे 30 डे में पर डे हम लोग क्या लेकर आने वाले हैं उसका हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। जैसे कि डे फर्स्ट में एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ लेकर आएंगे। डे सेकंड रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, इसके कुछ कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। थर्ड डे पार्टनरशिप, प्रॉफिट, लॉस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना भी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ साथ आप प्रिपेयर करते जाएंगे
और इस तरह से 30 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। फोर्थ डे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। पांचवें दिन नंबर सिंप्लीफिकेशन, इसकी बात करेंगे। सिक्स्थ डे सीक्वेंस एंड सीरीज। सेवेंथ डे सीरीज फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग। एट्थ डे सीरीज फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग। नाइन्थ डे आपका टेस्ट लेंगे। वैसे टेस्ट पर डे होगा, लेकिन नाइन्थ डे जो भी टॉपिक आप लोगों ने इसके पहले पढ़े होंगे उससे संबंधित एक टेस्ट हो जाएगा। टेंथ डे डाटा इंटरप्रिटेशन। एलेवेंथ डे डाटा इंटरप्रिटेशन प्लस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन होगा। ट्वेल्थ डे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फिर से हम लोग करेंगे। थर्टीन्थ डे परसेंटेज। चौदहवें दिन मेंसुरेशन। पंद्रहवें दिन टाइम एंड वर्क। सोलहवें दिन टाइम एंड डिस्टेंस। सत्रहवें दिन ट्रिग्नोमेट्री। अठारहवें दिन जियोमेट्री। उन्नीसवें दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बीसवें दिन हम लोग टेस्ट करेंगे। सेम वैसे ही जैसे हम लोग टेस्ट जो है पर डे करते हैं वो तो करते ही रहेंगे। बीसवें दिन आपको प्रीवियस जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए होंगे उसका एक कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। 21वें दिन रैंकिंग एंड अरेंजमेंट की बात करेंगे। 22वें दिन परम्यूटेशन। 23वें दिन प्रोबेबिलिटी। 24वें दिन एलिगेशन एंड मिक्सचर। 25वें दिन सर्ट्स इंडिसेस ग्राफ। 26वां दिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस। 27th डे इंटरप्रिटेशन पजल्स। 28वें दिन कैलेंडर क्लॉक। इससे कुछ जो है कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इसका और टेस्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। 29वें दिन नंबर सीरीज इन सब को डिस्कस करेंगे। और 13th डे हम एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे सारे टॉपिक्स का। तो ये रहा कुछ हम लोगों का प्लान कि किस डे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जब आप इसको समझ जाएंगे कि अगला डे हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो आप पहले से ही अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे ही हैं, तो आप लोग एडवांस में उस टॉपिक को समझ लेंगे, देख लेंगे, और ताकि आप लोग जो है हम लोग जो पर डे क्विज लेकर आने वाले हैं उसमें आप उससे तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अनाउंसमेंट देखा कि क्या क्या अनाउंसमेंट कोडोन बायोलॉजी पे है। तो तीनों अनाउंसमेंट आप लोग अच्छे से समझिए और खूब फायदा उठाइए इसका। आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और अपडेटेड हो सकते हैं। जो कुछ भी हम लोग अपडेट लेकर आने वाले हैं उससे अपडेटेड रहिए ताकि अधिक से अधिक फायदा आप ले सकें। ncibb.org.in पे जाकर आप ODBT की बुक भी देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।